सुन निकलती है, आवाज निकलती है, ठीक है ना। इन्हें हम कैसे क्या कहते हैं, तुक वाले शब्द। और परीक्षा में तुक वाले शब्द हम कई बार पूछते हैं, इसलिए आपको हम तैयार करवाते हैं। तो सभी को समझ में आ गया कि तुक वाले शब्द क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं क्या होते हैं। आप सब हमारा बनाओ, बनाओ का हमने तुक वाला शब्द बनाया चलाओ कमाओ। देखिए सब में ओ लास्ट में आया हुआ है ना, तो एक ही तरह की ध्वनि हमको निकल रही है, इसीलिए इनको कहते हैं तुक वाले शब्द। ध्यान से सुनिएगा, अगला शब्द है सागर। सागर का हमने बनाया गागर और नागर। देखिए बिल्कुल एक ही तरह की साउंड है, एक ही तरह का तुक मिलता जुलता है। आओ, आओ का होगा बच्चों तुक वाले शब्द लाओ पाओ। इसका क्या होगा, लाओ पाओ। पानी, पानी के एक तरह के समान शब्द होंगे तुक वाले रानी और नानी, बिल्कुल एक तरह से मिलकर जुलते हैं। गली, गली का होगा बच्चों थली चली। एक ही तरह की ध्वनि आ रही है ना, तो बच्चों इसीलिए तुक वाले शब्द कहते हैं। अंतिम है छाया, छाया का होगा माया और गाया, इसमें हमने इसका हो जाएगा माया और गाया। तो एक ही तरह की ध्वनि निकल रही है, इसलिए बच्चों ये मिलते जुलते सब मिलते जुलते शब्द हैं, इसलिए इनको हम तुक वाले शब्द या मिलते जुलते शब्द कहते हैं। ये सभी समझ में आ गया, बहुत अच्छे।